तरह वन टू थ्री, जो आपका ब्रेस्ट एरिया होता है इसके अंदर ज्यादातर एडिपोज टिश्यू होता है. एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट सेल्स से बना होता है, चर्बी ज्यादा होती है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख. हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, के ब्रेस्ट साइज कैसे रिड्यूस किया जा सकता है नेचुरली एट होम. और देखें, इसके मेन रीजन तो यही होता है कि जब ब्रेस्ट साइज आपका ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपका जो है वो ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी होता है. ठीक है, इसके अलावा दूसरे इश्यूज भी होते हैं. नॉर्मली आपका जो पीरियड्स होते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपका ब्रेस्ट साइज ज्यादा हो जाता है, और जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं तो वो नॉर्मल साइज पे आ जाते हैं. या फिर किसी को अगर पीसीओएस का जो हार्मोनल इम्बेलेंसेस का प्रॉब्लम है, या पीसीओएस थायराइड के इश्यूज हैं, तो उसमें भी आपका ब्रेस्ट साइज जो होता है वो ज्यादा हो जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जो होती हैं उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है. प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं कुछ खवातीन, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है, अच्छा जी, इसके ज्यादा होने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होते हैं, जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, डिस्कम्फर्ट तो होती है, इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो सबसे ज्यादा ये होता है, क्योंकि फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होती है चेस्ट एरिया पे, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. जितना फैट ज्यादा होता है, जो आपके बॉडी के फोल्ड्स होते हैं उसमें मॉइस्चर और पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बैक एक, नेक पेन के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं. सही है, इसके लिए तीन स्टेप्स हैं, वो अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको आपका ब्रेस्ट साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और आपकी जो ब्रेस्ट एरिया है वो उसकी अपेयरेंस में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी. राइट, अच्छा जी, सबसे नंबर वन पे तो मैं ये कहूंगी कि आपको जो है वो वेल फिटेड अंडरगारमेंट्स का इंतखाब करना चाहिए. कुछ लोग की सिलेक्शन सही नहीं होती है और कोशिश करें कि कॉटन स्टफ का इस्तेमाल करें. कुछ लोगों की सिलेक्शन सही नहीं होती है जिसकी वजह से उनके जो ब्रेस्ट एरिया की जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ही डी शेप्ड नजर आ रही होती है. ठीक है, तो आपके जो अंडरगारमेंट्स हों वो वेल फिटेड होने चाहिए और कॉटन फैब्रिक होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो. जब आपको पसीना ज्यादा आता है या आफ्टर एक्सरसाइज, आपको अपने अंडरगारमेंट्स को जरूर चेंज करना चाहिए. ठीक है, अपने अंडरगारमेंट्स को आपको सनलाइट में ड्राई करना चाहिए. और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहां सनलाइट नहीं आती, उनको चाहिए कि वो अपने अंडरगारमेंट्स को आयरन करें, इस्त्री कर लिया करें, जिसकी वजह से भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, इन सब चीजों का ख्याल रखें. इसके अलावा जो मेन चीज ये है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी एनाटॉमी भी समझा देती हूँ. जो आपका ब्रेस्ट एरिया होता है इसके अंदर ज्यादातर एडिपोज टिश्यू होता है. एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट सेल्स से बना होता है, चर्बी ज्यादा होती है, इसमें मसल्स नहीं होते. ठीक है, इसके सराउंडिंग्स में जो मसल्स होते हैं, आपके चेस्ट एरिया के मसल्स, आपके अपर बॉडी के मसल्स, आर्म्स के, बैक के, वो सारा कुछ उसको सपोर्ट करते हैं और उसके अपीयरेंस में इम्प्रूवमेंट लाते हैं. अगर उन मसल्स को हम टोन कर लेंगे तो उसका जो है वो जो अपीयरेंस होती है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है. राइट, अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मैंने अब आपको ये समझा दिया कि वहां पे फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, तो इसमें नंबर टू पे ये है कि आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है, आपने अपना वेट लूज करना है. अगर आपको अपना ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करना है तो आपको अपना डाइट में पोर्शन साइज भी रिड्यूस करना होगा. राइट, अपने खानों में आपको फाइबर ज्यादा लेना होगा, आपको ऐसी चीजों का इंतखाब करना होगा जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें ताकि आप जल्दी जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर सकें. और फैट डाइट्स आपने नहीं करनी, न्यूट्रिएंट डेंस आपकी गजा होनी चाहिए. अदरवाइज अगर आप फैट डाइट करके और क्विक फिक्सेस में जाएंगे तो आपके ब्रेस्ट जो होते हैं वो सैग कर जाते हैं. वेट लॉस तो हो जाता है, उसमें क्या होता है कि आपका वाटर वेट जाता है, आपका मसल वेस्ट हो जाता है, लेकिन फैट एज इट इज रहता है, फैट नहीं जाता. तो आपके जो, क्योंकि फैट कंपोजिशन होती है ब्रेस्ट की, तो वो ब्रेस्ट आपके सैग कर जाते हैं. राइट, तो आपको न्यूट्रिएंट डेंस
गिजा का इंतखाब करना है वजन कम करने के लिए, और इसके अलावा ऐसे मील्स का इंतखाब करना है, ऐसी चीजों का इंतखाब करना है, ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। आपने पानी का इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन लेना है, वाटर इंटेक करना है। आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फ्रूट्स का लो हो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स लें, वो भी आप अपने मील्स में या सैलड्स में ऐड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोशिश करें टी और कॉफ़ी कंज्यूम करें तो उसके अंदर मिल्क बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। शुगर से बनी हुई सारी चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी आइटम्स, फिजी ड्रिंक्स, जूसेस, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें, और सारे अच्छे जो हेल्दी फूड ग्रुप्स हैं उनको इंक्लूड करें अपनी डाइट में। कैलोरी डेफिसिट भी होगा और आपको इसके साथ साथ अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट भी करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज में जैसे मैंने अर्लियर आपको मेंशन किया कि जो ब्रेस्ट एरिया होता है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू फैट सेल ज़्यादा होते हैं, तो उसको तो आप डाइट से रिड्यूस करेंगे, लेकिन जो ब्रेस्ट एरिया के सराउंडिंग में जो मसल्स होते हैं आपके चेस्ट के मसल्स, आर्म्स के, बैक के, इन सब मसल्स को टोन करने से आपके जो ब्रेस्ट की अपेयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सैगी ब्रेस्ट नहीं होता, उसको लिफ्ट अप करने में, ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करने में ये एक्सरसाइजेस बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। यह है कि आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें आप एक नमाज फिक्स कर लें। नमाज का मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि नमाज पढ़ने से आपकी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप हुई हुई होती है, ठीक है, तो उसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जो बहुत ईजी हैं और हर कोई कर सकता है, ठीक है, और ये सबके लिए हैं, ठीक है, टीनएजर्स से लेके जितनी भी एज की खवातीन हैं सबके लिए हैं। इसमें यह है कि जब कभी भी आप अपने एक्सरसाइज करें तो आपने कोशिश करनी है आप अपने मसल्स को इंगेज कर लें, आपको फील होना चाहिए आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। अच्छा जी, नंबर वन एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने इस तरह से हैंड्स आप अपने इस तरह से रख लेंगे अपने हेड के पीछे, और ये जो आप एल्बोज है ना, ये आपको जितना आप पीछे ले जा सकती हैं आपने लेके जानी है। 10 टाइम्स करना है, फिर 15 लेके जाएं, फिर इसे 20 तक लेके जाएं डे बाय डे, ठीक है। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखें जितना पीछे ले जा सकती हैं आप ले जाएं इस तरह से, राइट। अच्छा जी, सेकेंड एक्सरसाइज ये है कि आपने क्या करना है, आप अपने आर्म्स लॉक कर लीजिए इस तरह से, और 1, 2, 3, 4 आप फील करें अपने मसल्स को इंगेज करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके, स्क्वीज करके फील करें अपने मसल्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब जब आप इस तरह से कर रही होंगी ना तो आपके ये पूरा ये जो आपके पेक्टोरल मसल्स हैं, चेस्ट के मसल्स हैं, आपके आर्म के मसल्स हैं, सब इंगेज होने चाहिए, आपको फील होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे नीचे भी लेके जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, आप इस तरह से भी करें, ऊपर भी लेके जाते जाएं और नीचे भी लेके जाते जाएं, ठीक है। पर आपको इतना रिलैक्स फील होना चाहिए ना, ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई। और इसके अलावा जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है एक्सरसाइज, वो पंचिंग है, वो मैंने पहले भी आपको बताई थी। इससे भी जो है वो आपके जो चेस्ट के मसल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस तरह से आपने करना है, ठीक है, और फोर्सफुली करना है, ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे फोर्सफुली करना है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो आप प्लैंक भी कर सकते हैं। प्लैंक जिन लोगों से नहीं हो सकते वो वॉल पुशअप्स कर लें, और इसके अलावा आप वेट्स
भी उठा सकते हैं, जैसे मेरे पास तो ये डंबल्स हैं, आप वाटर बॉटल्स भी ले सकती हैं, और आप इसके अलावा जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको उस पर आप कोई रैप चढ़ा लें, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसे इस तरह से आपने आर्म रेजेस करना है, वेट्स ऐसे रख के या ब्रिक्स पकड़ लें, वाटर बॉटल्स पकड़ के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये थी ऐसी एक्सरसाइजेस जो सिर्फ 5 मिनट्स में कंप्लीट हो गई। इसके अलावा मेन चीज जो है वो आपकी डाइट है, डाइट फॉलो कीजिए, उसी से आपका ब्रेस्ट फैट रिड्यूस होगा और आपको वेल फिटेड अंडरगार्मेंट्स का इंतखाब करना है। Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye-bye.